नमस्कार दोस्तों, टारगेट टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ दोस्तों, जिसका नाम है फेस ऐप। दोस्तों आप फेस ऐप के बारे में आप जानेंगे कि फेस ऐप क्या है, ये कैसे काम करता है और ये हमारे लिए सुरक्षित है कि नहीं है, ये जो हमारे फ़ोन में पड़ा हुआ डाटा है वो सुरक्षित है कि नहीं है। दोस्तों ये सभी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों फेस ऐप इन दिनों काफ़ी लोकप्रिय हो गया है, इसे अब तक करीबन 1.5 मिलियन यानी 15 करोड़ बार डाउनलोड हो चुका है गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है दोस्तों, इसे लोग अपनी फ़ोटो को जवान से बूढ़ा करके 50 साल बाद की फ़ोटो अपने आप को देख सकते हैं कि मैं 50 साल बाद कैसा दिखूंगा। ठीक दोस्तों, और अपनी फ़ोटो को एडिट करके और इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आदि पे बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। दोस्तों आपको ये फेसबुक अगर आप चलाते होंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि लोग अपनी फ़ोटो कैसे एडिट करके 50 साल बाद बूढ़ा कैसे चेहरा कैसा झुर्रियाँ आ गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं अपने आप को। दोस्तों इस ऐप के दीवाने तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि हमारे राजनेता, सेलिब्रिटी, जैसे हमारे बहुत सारे लोग इसके दीवाने हो गए हैं। और दोस्तों इसके अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों ये क्या है। दोस्तों फेस ऐप ये AI पर काम करता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। दोस्तों इससे फोटो अल्टरिंग फीचर्स दिया गया है, ये किसी भी फोटो को मोर्फ या अल्टर करके प्रेजेंट करता है जिससे आपके फ्यूचर की तस्वीर मिलती जुलती है। दोस्तों इसके नुकसान ये हैं, इससे आपके फ़ोन में जो भी डाटा हुआ है डाटा उनके पास पहुंच जाता है जो इस ऐप को बनाया गया है। दोस्तों ये ऐप रसिया के कंपनी ने बनाया है, ये दोस्तों पहली बार बहुत तब वायरल हुआ था, यानी 2017 में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तब से ये प्ले स्टोर में है। लेकिन दोस्तों इन दोनों ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया है और काफ़ी ज़्यादा इसका क्रेज़ चल रहा है। दोस्तों ये दुनिया भर में यह ऐप करीबन 121 देशों में नंबर 1 पे चल रहा है। दोस्तों अभी भी चल रहा है क्योंकि दोस्तों इस ऐप का क्रेज इतना ज़्यादा है। दोस्तों यह वीडियो एक रशियन कंपनी द्वारा बनाई गई है, इसे मशीन लर्निंग ऐप है। यह टेक्नोलॉजी इमेज को फिल्टर करता है, दोस्तों इसमें एक फ़ोटो देना पड़ता है जिससे वह ऐप फिल्टर करके यह 50 साल की फ़ोटो देता है जिसमें कॉमन चीज़ों को पहचान लेता है। जैसे आपकी कॉमन चीज़ें, जैसे कि आपके फेस में आपके नाक को, कान को, आँख को, चेहरे को, गाल को, ये उसको पहचान लेता है और उसी हिसाब से फिर ये फ़ोटो को फिल्टर करके और एडिट करके ये उस फोटो को 50 साल बाद का फ़ोटो आपको दिखाता है। ठीक है दोस्तों ये ऐप बिना इंटरनेट के नहीं चलेगा और ये आपको प्ले स्टोर में बहुत आराम से मिल जाएगा डाउनलोड करने पे। आपको गूगल प्ले स्टोर में खाली इतना डालना है फेस ऐप, और दोस्तों ये फेस ऐप कहा जाएगा और ये दोस्तों आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऐप दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इस समय क्रेज चल रहा है। दोस्तों मैंने भी अपना खुद का अपना फ़ोटो बनाया है, दोस्तों मैं आपको वो दिखाऊँगा और ये दोस्तों मेरे थंबनेल पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप भी ये ऐप का इस्तेमाल करके आप भी देखिए अपने आप को कि मैं 50 साल बाद कैसा दिखूंगा। दोस्तों ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आप कैसे दिख रहे हैं। और दोस्तों वैसे फ़ोटो तो ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी क्योंकि दोस्तों अभी आप जवान हैं, आप 50 साल बाद कैसे दिखेंगे दोस्तों वो आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों ये इसका क्रेज इसमें इतना ज़्यादा है कि लोग अपने आप को 50 साल बाद देखना चाहते हैं कि मैं 50 साल बाद कैसा दिखूँगा। ठीक है दोस्तों, फेस ऐप दोस्तों मैं आपको इसका दिखाऊंगा कि ये फेस ऐप कैसा दिखता है और इसमें आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसमें करना क्या है कि फेस ऐप को आपने अपने गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया। दोस्तों इसमें दो ऑप्शन आएंगे, अगर आपके गैलरी में फ़ोटो पहले से पड़ा हुआ है तो आप वही फ़ोटो सेलेक्ट कर लें, या फिर नया फ़ोटो आप इसे खींच कर। दोस्तों इसमें कई सारे ऑप्शन आएंगे, बूढ़ा ओल्ड का और जवान का, ये सब के आएंगे।
दोस्तों, उस हिसाब से आप इसको चूज करके। और दोस्तों अगर आपको ओल्ड अपना देखना हो तो आप इसे ओल्ड पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये विद इन 2 से 3 सेकेंड के अंदर आपकी फ्यूचर की फ़ोटो आपको दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ और भी है कि इसमें आपका डाटा भी मतलब लीक होने का खतरा रहता है। जो भी आपके जब आप ये ऐप्स इंस्टॉल करेंगे तो आपका ये गैलरी को एक्सेस करेगा, जो आपके गैलरी में जितने भी फ़ोटो हैं, नंबर्स हैं और भी जो आपके मेल हैं, तो वो आपको एक्सेस करेगा। दोस्तों इसमें क्या है कि ये काफ़ी सारी जानकारी को इकट्ठा कर लेता है, और ये अभी तक तो खैर ऐसा नहीं आया सामने कि ये थर्ड पार्टी को ये हमारी जानकारी देता है, लेकिन जो इसके फाउंडर हैं उन्होंने ये कहा है कि ये ऐप में जो भी जानकारी इकट्ठा होती है इसमें किसी भी प्रकार की हम जानकारी किसी थर्ड पार्टी को नहीं देते। ठीक दोस्तों, लेकिन दोस्तों आजकल क्या है कि मतलब फेसबुक के ऊपर भी कई करोड़ डॉलर का मतलब लगा हुआ है कि इसने फेसबुक ने मतलब जो हमारे डाटा है उसको थर्ड पार्टी को दिया है। दोस्तों ये बहुत ही खतरा है, और दोस्तों इसका कम से कम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा दोस्तों ज़्यादा सही है। तो दोस्तों इसमें आपके जो भी सीक्रेट चीज़ें होती हैं, जैसे आपका फ़ोटो हुआ, फैमिली का फ़ोटो हुआ, आपके मेल्स हुए, आपके बैंक अकाउंट नंबर हुआ, या फिर कुछ भी मतलब वगैरह वगैरह, दोस्तों ये सब उसके पास चला जाता है दोस्तों, जो कि सेफ नहीं है। और दोस्तों इसे बहुत सावधानी से ही मतलब यूज करें। ठीक है दोस्तों, और इसे अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि ये ऐप मतलब कितना ज़्यादा नुकसानदायक है, कि आपके जो फ़ोटोज हैं और ईमेल्स हैं ये कैसे ये अपने ऐप में स्टोर कर लेता है, और आगे इसकी क्या गारंटी है कि यह इस ऐप के ज़रिए जो भी इसमें डाटा इकट्ठा होता है ये किसी थर्ड पार्टी को नहीं देगा। दोस्तों इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और ना ही इसके जो फाउंडर है इसकी पुष्टि की है कि ये ऐप में जो डाटा है वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाएगा। बस खाली दोस्तों इन्होंने इतना ही कहा है जो इसके फाउंडर हैं कि यह ऐप कोई ऐसा ऐप नहीं है कि जो जानकारी को किसी थर्ड पार्टी को दे। ठीक है दोस्तों अगर ऐसा बाई चांस ऐसा हो गया तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक होगा, कि दोस्तों हमारी जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो दोस्तों कई देशों में, जैसे आपको दोस्तों पता ही है कि ये 121 देशों में नंबर वन पर चल रहा है, दोस्तों ये किसी भी थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, और हमारे जो डाटा है, हमारे नंबर्स हुए, मैसेज हुए, हम कहाँ कहाँ बात करते हैं, कौन कौन से हमारे पास कॉल आते हैं, ये दोस्तों ये सब उन तक पहुँच जाएगा। दोस्तों ये चीज़ सही नहीं है, और इससे दोस्तों हम ही को ही बहुत ज़्यादा मन नुकसान होगा। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए और सोच समझ के किसी भी चीज़ को, ऐप को इस्तेमाल करिए। और दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा मतलब क्राइम हो रहा है, फ्रॉड हो रहे हैं, दोस्तों इन सब से मतलब बचे रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, और जाते जाते एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी दोस्तों। और अब मैं आगे आने जितनी भी वीडियो आएंगी मैं दोस्तों ऐसी ही सब टॉपिक पे बताऊंगा आपको, और दोस्तों मुझे बताइएगा कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। और दोस्तों मैं टेक्निकल क्वेश्चन भी इसमें डाल रहा हूँ, जो कि DRDO में आगे आने वाले जो DRDO के एग्ज़ाम है दोस्तों, उस पर भी मैं टेक्निकल एग्ज़ाम के क्वेश्चन डाल रहा हूँ, जो कि दोस्तों आप उसे पढ़कर आप अपना DRDO का एग्ज़ाम मतलब निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस ऐप को, इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आगे आपके बहुत ही काम आएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको इस पर मिलेगा जो दोस्तों आपके बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस पर मैं थ्योरी के भी मैं डालूँगा, मतलब जैसे ट्रांसफार्मर ऐसे ऐसी चीज़ें डालूँगा, और बाकी मैं क्वेश्चन तो इस समय मैं पर डे मैं 20 क्वेश्चन मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।